गाइस अनदर माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज राखी है और राखी को सभी भाई बहनों को बधाई। और मैं अभी फिलहाल में घर के पास में खड़ा हूँ, ये हमारे पास स्कूल है और ये भाई लोग भी है बैठे अभी सब बात कर रहे थे। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ यो पड़ी पड़ी देखिए तो मैंने अनु तुम्हारा वीडियो देखो नहीं तुम कर रहे मेले खत्म से के तो वीडियो कहीं देखे कमेंट खुद ही नहीं करो कमेंट करो मैं लागे। हाँ देखिए अरे बेटा बेटा ककड़ी खा रहा काकुर सिवा माले ये जो डान ना ना ये बता बैठा है इज्जत। इतनी बड़ी बड़ी ककड़ी हो गया मला अब अगली चूअर बकरी खबर दे चूअर पूरा नहीं है खराब हो गई धूप में देख काटी है। चल चल बिल्कुल खाने मिली मेरे को कौन। हाँ मुझे सब्जी लगा रखी थी आपने पास में दर का मुरली जी है ये कपड़े सिलने डम कपड़े सिलाई एक नहीं अच्छे से करना पूरे पैसे मत देना इसको। हाँ और कपड़े सिलना भूल गए मशीन लाई एक साल भर हो गया। हाँ तेरी डम्बल यूट्यूब पर आ गई यूट्यूब पर देख ये मशीन है एक साल भर हो गए कपड़े सिलना भूल गए। इधर आके बैठ जाता हूँ भी ये है क्या नाम है इसका डिफिन फास्ट जेल। अगर हड्डियाँ वड्डियाँ दर्द होती है तो ये वाली दवाई लेके आना और हड्डियों को मालिश कर देना तो आप शरीर दर्द नहीं होगा। ये वाली ठीक है घर पे गाइस मेहमान आए थे तो हमने अभी चाय बना दी है और बाहर मेहमान बैठे उनके लिए चाय ले जा रहे थे और पानी दिया। और ये हमारा किचन है गैस टंकी नीचे से बंद करी कि नहीं गैस की बदबू आ रही है खिड़की लगा देते हैं धूल आते अंदर। चाय देना चाय वहाँ फलको उड़ाए शिवम ने उन्हें उड़ा लिया हम तू आईने में पूरा फोटो मेरा दिख रहा है ये यहाँ पे पूरा है देख बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है क्योंकि तीन चार दिनों में पानी नहीं आया और अभी धूप निकल के तो आज बहुत ही गर्मी हो रही है इसलिए हमने फिलहाल मैं घर के अंदर बैठा हूँ क्योंकि बाहर तो बैठ ही नहीं सकते इतनी गर्मी हो रही बाहर। और आज राखी का दिन है हर बार राखी पे आपने देखा ही होगा भुट्टे हो जाते कपड़े वगैरह सब हो जाते हैं। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बारिश लेट हुई थी लगभग 15-20 दिन इसलिए थोड़ा लेट हो गया सब कुछ। मैं भी अंदर आया था बैठा था तो अब मैं बाहर जाए तो कैसे जाएगा क्यों इस तरफ वाला पंखा क्यों बंद नहीं किया चल रहा अभी पंखा किचन का ये इतनी आवाज़ दे रहा पंखा पूछो ही ना। इधर क्या हुआ ये धूप बहुत सारी धूप कहा का ये तो पहला दो ये को पूरु लीलू सम तो इन का तो ये तो मुझे हम कर दे नहीं हो गया बराबर आते के नाते तुमने बंद कर दो थोड़ी बात चालू बोलो अरे आज क्लियर है हां सारे क्लियर
खालू कर दे, खालू करेंगे बंद कर दे बन गया बने तो आवड़े मिले करिश्मा ने फोटो खींच आ देख फिर नंटे पे तू भी देख लो कला निर्माण देख ये सर आई के आई इन है ना गणपत ने फोटो बेहो ने तो आ मां सपते सही सपन क्यों बैठा रहे यहाँ पे यहाँ पे चिकन बन रहा है राखी मेहमानों के लिए ये गणपत बना रहा है चिकन कहाँ है चिकन का रखा चिकन ये अंदर रखा है इसको इसके नीचे ढक रखा है अभी मेहमान राखी के आ गए थे उनको खिलाने के लिए और इस तरफ ये बिल्ली कहाँ चढ़ के बैठा देखो इसको दूध है नीचे और ये ऊपर चढ़ के बैठता है एक और है चार है इसे और यहाँ पे सब बन रहा है मसाला तैयार हो रहा है ये मसाला तैयार हो रहा है चिकन बाद में डालते हैं चावल बन गए और वो भी देसी चूल्हे पे गांव के चूल्हे पे बना रहे हम ये हमारा घर है पुराना वाला इसमें हम बना चिकन ये वाला वो कुत्ता बैठा है हाँ ठीक है और यहाँ पे चिकन अब मसाला बन गया चिकन डाल रहे हैं मेहमानों के लिए बना रहे हैं चिकन राखी में जो भी मेहमान आएगा उनको बुलाना अभी आए हैं दो तीन ये चिकन ये इधर देखो बिल्ले सब इधर पास में बैठे इधर कुत्ता भी आके बैठा है ये गांव में देसी चूल्हे पे खाना चिकन बन रहा है क्योंकि गैस पे बना तो अच्छा नहीं लगता है देसी चूल्हे पे जो बनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगता है एक बिल्ला ये बैठा है इधर ये चावल बना दिए हैं गाइस हम अभी बस स्टैंड पे आ गए हैं हमारे गांव की बस स्टैंड है ये दुकान है बहुत सारी ये और हमारा घर उस तरफ है ये टावर के ये झंडा लगे उसके पास है और हम बस स्टैंड पे जा रहे हैं अभी तो मैं फिलहाल में दुकान पे आ गया हमारे गांव की बस स्टैंड है वहाँ पे हाँ ये और ये पास में मंदिर है और बस स्टॉप आपको मैं दिखा देता हूँ बस स्टॉप है जो तीन एक लोग बैठे हैं अभी बस आने वाली इसलिए और ये दुकान है वो सामने भी दुकान है इस तरफ भी दुकान है उस तरफ भी दुकान है कार है तू जीरो गियर जे तू नहीं आवे तो गाइस मैं दुकान तरफ गया था तो मेरा एटीएम कार्ड ख़त्म हो गया था नया आ गया और मैं एटीएम कार्ड मिला मेरा वो भी काम हो गया एटीएम कार्ड का क्योंकि मुझे पता नहीं था डेढ़ एक महीना हो गया था तब से आया हुआ था मैं दुकान पे दे गया था पोस्ट में एसबीआई डेबिट कार्ड तो वे मैं ले आया हूँ अभी तो अच्छा वक्त मैं गया था तो मुझे मिल गया नहीं तो फिर मुझे बाद में लेना पड़ता तो मैं फ़िलहाल घर पर आ गया हूँ अभी और मेरी वीडियो को देखना और इन्जॉय करना और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग